अब समाचार विस्तार से। कैसैंड में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का छठा और आखिरी दिन हो हल्ले के बीच गुजरा। हालांकि सदन की कार्यवाही प्रभावित नहीं हुई और बजट को पारित कर दिया गया। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के सदस्यों ने हरिद्वार कुंभ में हो रहे कार्यों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर विधान भवन के बाहर धरना दिया। बाद में सदन में कांग्रेस के प्रीतम सिंह और काजी निजामुद्दीन ने कोरोना के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी हो हल्ला हुआ। प्रीतम सिंह ने हाल ही में हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए सरकार से आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे स्थगित करने की मांग की। सरकार की ओर से जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, जांच रिपोर्ट आने तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होगी, ये निर्देश भी दिए गए हैं। सदन ने चर्चा के उपरांत बजट को पारित कर दिया। सदन में हमारी संख्या बहुत सीमित है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे तमाम साथियों ने जिस तरीके से सरकार को बैकफुट पर ले जाने का काम किया, मैं समझता हूँ कि आपने उसको भली भांति देखा है। हमने जनहित के जितने भी मुद्दे थे उन तमाम मुद्दों को जो है प्राथमिकता के आधार पर सदन के अंदर उठाने का काम किया। अभी बजट पर विभागवार चर्चा हो रही थी तो कोरोना जैसे विषय पर जो मैं समझता हूँ कि पूरे देश और दुनिया का बहुत ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे पर सरकार जिस तरीके का रवैया अख्तियार करके हमारी बातों का जवाब नहीं दे रही थी, तो मैं समझता हूँ कि ये स्वस्थ लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं नहीं है। सरकार को जो है कोरोना के परिप्रेक्ष्य में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए था। गैरसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज बजट पास होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। छह दिन में सदन की कार्यवाही कुल 31 घंटे 29 मिनट तक चली। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सत्र के दौरान विधानसभा को 650 प्रश्न प्राप्त हुए। सत्र के दौरान 10 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह कामकाजी सत्र रहा, जिसमें एक बार भी स्थगन की नौबत नहीं आई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार विधानसभा सत्र की कार्यवाही को उत्तराखंड डीआईपीआर फेसबुक पेज पर लाइव दिखाया गया। सत्र चला था तो उसमें 31 घंटे 29 मिनट की सदन की कार्रवाई चली है और लगभग इस पूरे सदन के दौरान एक बार भी स्थगित करने का मौका नहीं मिला। पूरी तरह से कामकाजी सत्र मैं इसको कह सकता हूं और इस रूप में भी कह सकता हूं कि इसमें हमारे 630 प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिसमें से 141 उत्तरित हुए और सदन में 10 विधेयक पारित किए गए।